अगर वो जो प्ले स्टोर का लिंक है तुम अपने रिज्यूमे पे डालोगे, सो दे विल बी कॉन्फिडेंट कि यार ये बंदा पक्का मेरे लिए ऐप अच्छे से बना देगा, इसको तो डिप्लॉय करना भी आता है। Amazon, Microsoft में लाइक अगर स्टॉक्स है तुम्हारे तो 2x, 3x मैक्सिमम इतना टाइप्स ग्रो कर जाएंगे, बट अगर स्टार्टअप में हो तो 10x हो सकते हैं, 20x हो सकते हैं, और कुछ कुछ स्टार्टअप्स में तो एक्सपोनेंशियली भी ग्रो कर जाते हैं। स्टार्टअप्स में डेफिनेटली एक एक्स्ट्रा स्किल सेट चाहिए और एक अच्छे लेवल तक चाहिए होता है, मतलब ये चीज ज्यादा मैटर करेगी फॉर क्रैकिंग द स्टार्टअप जॉब्स रेदर देन योर DSN एल्गो पार्ट। एंड वो चीज क्या है, हाय मायसेल्फ आरिक हियर। सो यार इस वीडियो में मैं एक पूरा रोड मैप डिस्कस करने वाला हूँ टू क्रैक प्लेसमेंट्स इन प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप्स, है ना। तो अगर तुम स्टार्टअप देखोगे Zomato, ओला, ओयोरूम, स्विगी, कितनी अमेजिंग जगह है टू वर्क फॉर। तो स्टार्टअप्स के ना बहुत ज्यादा अपने आप में फायदे होते हैं एंड दीज आर द अमेजिंग कंपनीज टू वर्क फॉर। अगर मैं पैसों की भी बात करूं तो पैसों में एवरेज पैकेज 1 लाख पर मंथ होता है, जो कि बहुत सही पैकेज है, विच इज ऑलमोस्ट कंपेरेबल टू योर अदर बिग प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज Amazon, Microsoft वगैरह के बराबर होता है। और ESOPs के सबसे ज्यादा फायदे होते हैं, राइट। Amazon, Microsoft में लाइक अगर स्टॉक्स है तुम्हारे तो 2x, 3x मैक्सिमम इतना टाइप्स ग्रो कर जाएंगे, बट अगर स्टार्टअप में हो तो 10x हो सकते हैं, 20x हो सकते हैं, और कुछ कुछ स्टार्टअप्स में तो एक्सपोनेंशियली भी ग्रो कर जाते हैं, है ना। बट इन सब के अलावा सबसे बड़ा फायदा है तुम्हारा जो लर्निंग कर्व होता है ना एक स्टार्टअप में, वो बहुत हाई होता है एज कम्पेयर टू दिस बिग प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। अगर तुमने 2 साल स्टार्टअप में वर्क कर लिया, तुम केवल टेक में अगर एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो तो केवल टेक नहीं सीखोगे, यू विल डील विद मार्केटिंग पीपल कि कैसे काम करवाना है, क्यों काम करवाना है, तुम्हें बहुत कुछ एक स्टार्टअप के बारे में इंटरनल नॉलेज पता हो जाएगी, है ना। सो ये सब अपने आप में फायदे हैं। अब हमारे को अगर स्टार्टअप्स में जॉब्स निकालनी है तो थोड़ा सा अलग स्किल सेट चाहिए होता है, सो मैं उसी के बारे में पूरा डिस्कस करने वाला हूँ कि स्टार्ट कैसे करें इफ वी एम फॉर स्टार्टअप्स, और हमें क्या क्या करना होगा अगर हमें अच्छी जॉब चाहिए स्टार्टअप्स में, ठीक है। सो स्टे टिल एंड ऑफ द वीडियो, तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा, और अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक एंड शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब अवर चैनल, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, और आई थिंक स्टार्टिंग एज अ प्रोग्रामर सबके लिए कॉमन है, चाहे वो स्टार्टअप में जाना है, चाहे बिग प्रोडक्ट कंपनी में जाना है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स। द ओनली थिंग हियर इज, यहां तुम्हें बहुत ज्यादा हाई लेवल नहीं बनना है डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स, बट एक डिसेंट लेवल तो बनना है ना। मतलब इंटरव्यू में आएंगे, एक दो इंटरव्यूज तो डीएसएन एल्गो के होंगे ही होंगे, बट उसमें बहुत ज्यादा हार्ड लेवल के क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो अगर मैं बात करूं तो 200 से 250 क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं, एरे, स्ट्रिंग्स, लिंक्ड लिस्ट, स्टैक्स, क्यूज, हैश मैप, प्रायोरिटी क्यूज, ग्राफ्स, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, रिकर्जन, इन्हीं टॉपिक्स के अराउंड हमें 200 से 250 क्वेश्चंस, 20-20 क्वेश्चन पर टॉपिक अगर हम कर लेंगे, एंड हम बेसिकली इजी मीडियम लेवल के क्वेश्चंस कर लेंगे, बहुत ज्यादा हार्ड वाले नहीं, तो हम बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स में अच्छे हो गए हैं, और जो हमें इन कंपनीज को निकालने के लिए डीएसएन एल्गो जितना आना चाहिए वो हमने कर लिया, ठीक है। प्रैक्टिस करो, कहीं से भी कर सकते हो, यू कैन एक्सप्लोर अवर पब्लिक प्लेटफॉर्म कोड स्टूडियो, वहां पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो, बट अच्छे से स्टार्टिंग में 3-4 महीने लग के हम डीएसएन एल्गो में अच्छे हो जाएंगे, हम प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत अच्छे हो जाएंगे और हमारे लॉजिक्स बढ़िया हो जाएंगे। अब हम बेसिकली हमारे अंदर एक वो आ जाएगी कि हम ऑप्टिमाइज कोड लिख पाते हैं जो हमारा डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स ने बना दिया है, ठीक है। बट केवल डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम के बेसिस पे तो जॉब नहीं निकलेगी, स्टार्टअप्स में डेफिनेटली एक एक्स्ट्रा स्किल सेट चाहिए और एक अच्छे लेवल तक चाहिए होता है, मतलब ये चीज ज्यादा मैटर करेगी फॉर क्रैकिंग द स्टार्टअप जॉब्स रेदर देन योर डीएसएन एल्गो पार्ट। एंड वो चीज क्या है, तुम्हारी कुछ डेवलपमेंट की नॉलेज, वेब डेवलपमेंट हो सकता है, ऐप डेवलपमेंट हो सकता है, मशीन लर्निंग हो सकता है, इन तीनों में जनरली मोस्ट ऑफ द जॉब्स आर इन दीज डोमेन्स, है ना, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट या मशीन लर्निंग। और इसमें भी अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा वेब डेवलपमेंट में होते हैं, बिकॉज वेबसाइट सबको चाहिए, और वेब डेवलपमेंट में बैकएंड वाला पार्ट भी आता है कि पूरा डेटा कैसे स्टोर होता है, है ना। तो यू कैन चूज एनी ऑफ दीज पार्ट्स और उसके बेसिस पे तुम अच्छी खासी जॉब्स निकाल सकते हो। सो वेब डेवलपमेंट अगर तुम चुनते हो तो देखो यहां पर हमें बेसिकली स्टार्टअप अगर हम जा रहे हैं तो मोस्टली लोग फुल स्टैक डेवलपर हायर करते हैं, तो तुम ये नहीं बोल सकते यार मुझे फ्रंट एंड डेवलपर ही बनना है, बैक एंड डेवलपर ही हो रहा है, तो बेसिकली वो थोड़ा सा बड़ी कंपनियों में ज्यादा होता है। स्टार्टअप में क्या है यार, एक बंदे से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होती है, सो अगर हम फुल स्टैक डेवलपर बनेंगे तो हमारी अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। एंड ऑब्वियसली स्टार्टअप्स हैं तो बिल्कुल एकदम स्क्रैच से कोड लिखा जा रहा है, तो एक चीज का हमें ध्यान रखना है, हमें फ्रेमवर्क्स के साथ सीखना होगा। तो अगर हम फ्रंट एंड सीख रहे हैं तो HTML, CSS, JavaScript तो सीखेंगे, वो तो अच्छे लेवल पे करना है, बट उसके साथ एक फ्रेमवर्क भी सीखेंगे, चाहे वो रिएक्ट हो चाहे एंगुलर हो, तब हम एक कंप्लीट फ्रंट एंड डेवलपर बन जाएंगे, बट फ्रेमवर्क यहां मिस नहीं कर सकते, हमें सीखना ही पड़ेगा, ठीक है। सिमिलरली जब तुम वेब डेवलपमेंट में बैक एंड सीखोगे तो ऑब्वियसली यू विल लर्न अबाउट CRUD ऑपरेशंस, वो तो सही है, बट
उसके अलावा हमें एक फ्रेमवर्क के साथ नॉलेज देनी पड़ेगी। अगर हम पाइथन में करें तो जेंगो सीखना पड़ेगा, रूबी विद रेल सीखना पड़ेगा, वरना आज की डेट में नोड.js बहुत कॉमन है, ये चीजें हमें सीखनी पड़ेगी, राइट। वहां पर हमें फ्रेमवर्क ही सीखना पड़ेगा बिकॉज मोस्टली स्टार्टअप्स नया कोड लिख रहे हैं तो नई टेक्नोलॉजीज के साथ काम करते हैं, तो वो फ्रेमवर्क की नॉलेज थोड़ी मांगते हैं, ठीक है। एंड ऑब्वियसली फुल स्टैक डेवलपर मींस फ्रंट एंड बैक एंड पूरा अच्छा हम कंबाइन करके लिख रहे हैं, सो दैट इज अ थिंग वी नीड टू डू। तो 2-3 महीने लग के सीखेंगे, साथ छोटे छोटे प्रोजेक्ट करते रहेंगे तो हम एक डिसेंट फुल स्टैक डेवलपर बन जाएंगे। बट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब तुम अप्लाई करोगे जॉब्स के लिए, क्या मैटर करेगा, तुम्हारे पास अच्छा प्रोजेक्ट है या नहीं, राइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑन योर रिज्यूमे विल बी योर प्रोजेक्ट। तो एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, वो ई कॉमर्स टाइप का हो सकता है, वो सोशल मीडिया ऐप टाइप्स का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा जो बेसिकली जिसपे तुमने 2 महीने लग के काम कराओ, तुम्हें पूरा APIs का यूज करना आता हो, तुम्हें पूरा फ्रंट एंड से बैक एंड पूरा कोड कैसे चलता है, तुमने इनफ एज केसेस हैंडल करे, राइट। जैसे अगर मैं बात करूं सोशल मीडिया ऐप में, तो लाइक करो तो अनलाइक कैसे होगा, ये सब चीजें, मतलब इनफ एज केसेस अगर कर रखे हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ेंगे, राइट। ये तो हो गई वेब डेवलपमेंट की पार्ट। तो इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, पहले सीखो 2-3 महीने लग के, फिर 1-2 महीने लग के बढ़िया सा प्रोजेक्ट बनाओ, और लास्ट में उसको लाइव कर दो, राइट। उसको लाइव करने से जो वैल्यू एड होगी ना स्टार्टअप को, कि भाई बंदे को लॉन्च भी करना आता है, वो तुम्हारे को बहुत अलग लेवल पे ले जाएगा, ठीक है। दिस इज अबाउट द वेबसाइट थिंग, ये पूरा एंड टू एंड कर लो, एंड रिज्यूमे पे जब डालोगे प्रोजेक्ट विद अ लाइव लिंक, बहुत अमेजिंग चीज लगेगी, ठीक है। सिमिलरली यू कैन चूज द ऐप डेवलपमेंट पार्ट एज वेल। अगेन ऐप में क्या है, अगर तुम एंड्रॉयड चुन रहे हो चाहे बेसिकली iOS चुन रहे हो, बट आज की डेट में थोड़ा सा फ्रेमवर्क इंपॉर्टेंट है। अगर React Native की बात करूं तो उससे क्या होता है, iOS एंड Android ऐप दोनों बन जाती है, तो दैट इज अ क्रॉस नेटिव प्लेटफॉर्म। तो आज की डेट में बहुत ज्यादा फेमस है बिकॉज स्टार्टअप्स के पास रिसोर्सेज कम होते हैं, उन्हें कम बंदों से ज्यादा आउटपुट निकलवाना है, सो दे बेसिकली प्रेफर पीपल जो बेसिकली शायद रिएक्ट नेटिव अच्छे से जानता हो, वो iOS भी खड़ी कर देगा अपने लिए और एंड्रॉइड भी बना देगा ऐप, है ना। तो बेसिकली अगर हम फ्रेमवर्क्स, न्यू फ्रेमवर्क्स के साथ सीखेंगे तो हमारे को थोड़ा सा एज रहेगा, ठीक है। ऑब्वियसली एंड्रॉइड ऐप है तो अच्छे से हमें ऐप की ब्यूटिफिकेशन तो अच्छे से आनी चाहिए कि कैसे ओवरऑल चलता है, अगर हमने रिएक्ट नेटिव फ्रेमवर्क करा होगा तो हम अच्छे से सीख लेंगे। एंड उसमें जब हम API रिक्वेस्ट मारेंगे, पूरा डेटा कैसे आया, पूरा फेच कैसे हुआ, अगर Firebase यूज कर रहे हैं तो Firebase से कैसे डेटा आएगा, ओवरऑल ऐप में भी मैटर करेगा तुमने एंड में एक बड़ा लंबा प्रोजेक्ट बनाया नहीं बनाया, चाहे वो ई कॉमर्स हो चाहे वो सोशल मीडिया ऐप हो, बिकॉज उनको एक्सपेक्टेशन है मैं एक ऐप डेवलपर रखूंगा और वो मेरे लिए स्टार्टअप के लिए एक ऐप में पूरा अच्छे से कॉन्ट्रीब्यूट कर देगा, ठीक है। ऑब्वियसली जितना बड़ा स्टार्टअप होगा उतने ज्यादा ऐप डेवलपर ही होंगे, बट दे आर एक्सपेक्टेड कि ऐसा ऐप डेवलपर है मेरे पास जो पूरा एंड टू एंड एक ऐप बना सकता है, ठीक है। तो पूरा एक प्रोजेक्ट बनाओगे बड़ा सा और उसको लाइव करोगे, अगर वो जो प्ले स्टोर का लिंक है तुम अपने रिज्यूमे पे डालोगे, सो दे विल बी कॉन्फिडेंट कि यार ये बंदा पक्का मेरे लिए ऐप अच्छे से बना देगा, इसको तो डिप्लॉय करना भी आता है, लाइक दैट विल बी एन अमेजिंग थिंग टू डू, ठीक है। तो ऐप डेवलपमेंट करते हो तो ये चीज अच्छे से फॉलो करना। और फिर एक मशीन लर्निंग है, मशीन लर्निंग में भी सिमिलर है, अच्छे से कॉन्सेप्ट सीखो, 2-3 महीने लग के मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट सीखो, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन, सब कुछ अच्छे से सीखो प्रोजेक्ट्स के साथ, छोटे छोटे प्रोजेक्ट साथ साथ करते रहो, उससे पूरा सीखो और एंड में एक बड़ा प्रोजेक्ट करो, चाहे वो कैगल कॉम्पिटिशन से पार्टिसिपेट करो, कहीं से भी कुछ के करो, बट एक बड़ा प्रोजेक्ट रेडी करो और उसको गिटहब पे लाइव करो विद अ डेमो, कि जो भी तुमने एल्गोरिथम लगाई है उससे क्या आउटपुट आ रहा है, क्या उससे तुम्हें ऐसा आउटकम मिल रहा है कि तुम्हारे डेटा की एक्यूरेसी बहुत सही है, राइट। जो भी है, मतलब जो भी तुमने एक्यूरेट रिजल्ट निकाला है उसको शो करो, गिटहब पे डालो, और जब वो लिंक अगेन तुम रिज्यूमे पे डालोगे तो वो कॉन्फिडेंट होंगे यार ये बंदा मशीन लर्निंग में बहुत सही है। देखो रिज्यूमे पे लिखने कुछ नहीं होता ना, राइट, वी नीड टू प्रेजेंट। अब हमने लिख दिया हमने ई कॉमर्स ऐप बनाई है, बट तुम दिखा नहीं सकते तो फायदा नहीं है उस चीज का। मशीन लर्निंग में कुछ एल्गोरिथम बहुत बढ़िया से बना दिया लेकिन उसको दिखा नहीं सकते, क्या फायदा, उनको कैसे पता लगेगा। स्टार्टअप नीड्स पीपल जो बेसिकली पूरा एंड टू एंड काम कर लें। अगर वेब डेवलपर है तो पूरी वेबसाइट संभाल ले, ऐप डेवलपर है तो ऐप को बहुत अच्छे से संभाल ले, मशीन लर्निंग है तो अच्छे से पूरा, लाइक ही और शी वुड बी द लीडर जो बेसिकली मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स को अच्छे से दूसरों को गाइड भी कर सके, क्या काम कर रहा है पूरा अच्छे से नॉलेज हो, राइट। ये 3 डोमेन में एक ना एक डोमेन में किसी ना किसी में बहुत अच्छा होना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारी स्टार्टअप में अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हो जाएंगी, राइट। वंस यू आर डन विद द प्रोजेक्ट, आई टेक अ गारंटी, अगर DSNL वो सही लेवल पर है, अगर डिसेंट लेवल, मैंने बताया था डिसेंट लेवल की डेफिनेशन, और इसमें से किसी भी एक डोमेन में एक प्रोजेक्ट कर लिया है तो यू आर रेडी टू क्रैक जॉब्स इन स्टार्टअप्स।
ठीक है। अब बात करते हैं अप्लाई की। अप्लाई करने के लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है, रोड मैप फॉर ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स। मैं लिंक डलवा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, मैं उस पर दोबारा बात नहीं करना चाहता। उसमें मैंने पूरा बताया है कि रेफरल कैसे अर्न करना है, लिंक्डइन पे कैसे अप्लाई करना है, करियर पेजेस पे कैसे अप्लाई करना है, मतलब ओवरऑल हाउ डू वी नीड टू अप्लाई फॉर जॉब्स एंड गेट दोज जॉब्स, ठीक है। सो वो वीडियो देख लेना, तुम्हें पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मुझे, अब मैंने स्किल्स तो ले ली बट मुझे जॉब कैसे चाहिए, राइट। वो अच्छे से तुम्हें उससे समझ में आ जाएगा। इसके अलावा लास्ट पॉइंट में बस एक ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है। हम जॉब्स के लिए रेडी हो गए हैं, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, बस मैं थोड़ा रिकमेंड करूंगा स्टार्टअप्स में अगर हम कर सकते हैं तो इंटर्नशिप्स ट्राई कर लेते हैं, राइट। बिकॉज स्टार्टअप ना ऐसा होता है कि शायद कोई स्टार्टअप का प्रोडक्ट तुम्हें पसंद आए या ना आए, इट इज मतलब यू आर नॉट टू श्योर। तो स्टार्टअप में तुमने अप्लाई करा, फॉर इंटर्नशिप्स अप्लाई करो, एक दो महीने वहां काम करके देखो कि मैं एज अ वेब डेवलपर जा रहा हूँ, क्या मेरे को इनफ। बिकॉज स्टार्टअप्स मतलब थोड़ा सा टीडियस प्रोसेस है, बिकॉज हो सकता है वो स्टार्टअप मतलब उतना अच्छा ना करे तो वो शायद बंद हो जाए, राइट। तो तुम पूरा ओवरऑल एक जानना चाहते हो कि ये स्टार्टअप कितना काम कर रहा है, तो इंटर्नशिप्स बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करती है। तो स्टार्टअप्स में इंटर्नशिप्स करो, वेब डेवलपमेंट आ गई है, प्रोजेक्ट कर लिया है, इंटर्नशिप के लिए तो बहुत आराम से ले लेंगे वो तुम्हें, ठीक है। अप्लाई फॉर दोज इंटर्नशिप्स, इंटर्नशिप करो एक दो महीने, पसंद आए तो ऑब्वियसली वो अपने आप, अगर तुमने अच्छा काम करा तो ऑब्वियसली वो पीपी ऑफर कर देंगे। तो रेदर देन गोइंग डायरेक्टली फॉर जॉब्स, आई विल हाईली रिकमेंड अगर हम इंटर्नशिप्स करके जाए। वेब डेवलपर है तो वेब डेवलपमेंट में इंटर्नशिप कर लें जो भी हमें पसंद आई है कंपनी, क्योंकि नहीं आई पसंद तो दूसरे स्टार्टअप में कभी भी जा सकते हैं और वो एक्सपीरियंस हमेशा वैल्यू ऐड करेगा। सिमिलरली ऐप में अगर हम अच्छे हैं तो स्टार्टअप में अप्लाई करा, एक दो महीने इंटर्नशिप करी, पसंद आया तो ऑब्वियसली ज्वाइन कर लिया। सिमिलरली मशीन लर्निंग, इंटर्नशिप बहुत बढ़िया रोल प्ले करती है फॉर स्टार्टअप, बिकॉज यू गेट टू नो एंड एंड टू एंड ऑफ दैट स्टार्टअप, है ना, समझ में आ जाता है कि इन लोगों का गोल क्या है, ठीक है। और ऑब्वियसली एक एक्सपीरियंस ऐड हो जाता है जो तुम्हारे को बाद में जॉब्स में भी हेल्प करेगा, और इन जनरल जो एक अच्छा कोड लिखना है वो एक एक्सपीरियंस से आ जाता है। जब तुम कहीं इंटर्नशिप करोगे वहां देखोगे लोगों को कि बाकी लोग कोड कैसे करते हैं, तो तुम एक अच्छी कोड क्वालिटी वाला कोड लिखने लग जाओगे, है ना। सिमिलरली ऐप डेवलपमेंट करोगे तो वहां पर और ऐप डेवलपर्स होंगे, वो कैसे कोड करते हैं, अभी तो तुमने खुद के प्रोजेक्ट पे काम करा था बट दूसरों को देख के सीखोगे अच्छा ऐसे भी कोड कर सकते हैं, मशीन लर्निंग में सिमिलरली अच्छा ऐसे भी एल्गोरिथम अप्लाई कर सकते हैं। सो ये सब चीजें बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड करेंगी, ये सब चीजें तुम्हारे एक्सपीरियंस में बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड करेंगी, एंड आफ्टर दैट ऑब्वियसली यू आर कंप्लीटली रेडी टू क्रैक द जॉब। स्टार्टअप्स आर देयर टू हायर यू, उनको चाहिए ढंग के बंदे, बट उन्हें ऐसा बंदा चाहिए कि बंदा आए एक दो दिन देखे और काम करना शुरू कर दे, है ना। उनके पास टाइम नहीं कि किसी को सिखाए, वो सब ये चीजें सीख कर आएगा और हमारे लिए बढ़िया सा काम करेगा, ठीक है। सो ओवरऑल स्टार्टअप्स में लर्निंग बहुत ज्यादा होती है, पैसे भी सही मिलते हैं, सो बहुत सही जगह है काम करने के लिए। इफ यू वॉन्ट टू ट्राई तो गिव इट अ ट्राई, अच्छे से ये स्किल सेट अर्न कर लो एंड यू विल बी एबल टू क्रैक दोज जॉब्स। ओके, ग्रेट, थैंक यू।